अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमने क्या करना है, हमने करना है रेस्पिरेटरी मेडिसिन का अगला टॉपिक विच इज ब्रोंकाइटिस। जल्दी से कर लेते हैं, फिर ट्यूबरक्लोसिस नमूनिया करेंगे। हमारी रेस्पिरेटरी मेडिसिन की इंपॉर्टेंट चीजों की सारी कहानी हो जाएगी पूरी, लेकिन मैं कुछ और आपको लाजमी कराऊंगी, एक दो चीजें रह जाएंगी वो वाली, ठीक है। अच्छा जी, ब्रोंकाइटिस की जहां तक डेफिनेशन की बात है ना, आपने बस एक बात अपने जहन में रखनी है, कभी भी कोई भी ऐसी चीज जो मुसलसल आपकी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स को तंग कर रही है, कोई इन्फेक्शन है, कोई एयर वे इन्फ्लेमेशन है, कोई हाइपर म्यूकस प्रोडक्शन है, कोई आपका कह ले कोई ऐसा कंजेनिटल सिंड्रोम है जिसकी वजह से आपका स्टेसिस ऑफ म्यूकस हो जाता है, कुछ भी ऐसा है जो आपकी एयरवेज को बहुत ज्यादा क्रॉनिकली इन्फ्लेम कर रहा है, क्रॉनिकली इरिटेट कर रहा है, क्रॉनिकली तंग कर रहा है, रिजल्टेंटली क्या हो सकता है कि ऐसा ऐसा आपकी वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई जो है ना वो डिस्ट्रॉय होती जाए। वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई जब ऐसा ऐसा डिस्ट्रॉय होंगी तो पहले जो इतनी थिक थी आपकी वॉल, ये सपोज ये सारी थिकनेस थी, ऐसे ऐसा डिस्ट्रॉय होते थे वो इतनी रह जाएगी, ठीक है, पतली हो जाएगी। जब पतली हो जाएगी तो उसका ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा और वो कंडीशन हो जाएगी ब्रोंकाइटिस। तो इट इज वेरी सिंपल कि ब्रोंकाइटिस इज एबनॉर्मल परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंड ऑलवेज सेकेंडरी टू एनी इन्फेक्शन या एनी अदर कंडीशन, ठीक है। ब्रोंकाइटिस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और चीज नहीं हुई भी ब्रोंकाइटिस खुद ब खुद हो जाए। ये हमेशा आपका या तो तब होता है जब आपका ट्यूबरक्लोसिस के बाद सबसे ज्यादा है एडल्ट्स में, क्योंकि आपके पास जो सिनेरियो आता है वो एडल्ट्स का आता है और एडल्ट में सबसे ज्यादा जो होता है ना ये पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस आपका ऐसी कंडीशन है जो काफी देर लगाती है ठीक होने में और लोग उससे जो ट्रीटमेंट जिनको मिल रही होती है वो अक्सर बात कंप्लाइंट नहीं रहते, वो ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं, ड्रग्स छोड़ देते हैं या फिर लेते भी रहे हैं ना तो भी वो जरा टाइम टेकिंग डिजीज होती है ट्यूबरक्लोसिस। तो उसमें आपका अक्सर डैमेज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आपकी वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स की डायलिटेशन कर देता है। तो हम ही कहते हैं कि पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंकाइटिस हो गया बंदे को। दूसरी कंडीशन बच्चों में जो बहुत कॉमन है वो रिकरेंट नमूनियाज हैं, बार बार नमूनिया का इन्फेक्शन होना, बार बार नमूनिया होना। बार बार नमूनिया होगा तो क्या होगा, फ्लूइड कलेक्शन बार बार पस बार बार आएगी, एयरवेज बार बार इरिटेट होंगे, उनमें भी ऐसा ऐसा वॉल्स डिस्ट्रॉय होती जाती है। तीसरी चीज हमारे पास होती है कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, ये सब कुछ हम कॉजेज में डिस्कस कर लेते हैं बल्कि कॉज के हिसाब से। तो ब्रोंकाइटिस मतलब है बहुत सिंपल सी कंडीशन, आपके पास जब भी सिनेरियो आएगा, चलिए सिनेरियो को भी मैं आपको डिस्कस करती हूँ आपके साथ, कि जब भी सिनेरियो आएगा ना तो आपके पास यही कंडीशन आती है कि हमेशा या तो आपके पास अगर एडल्ट पेशेंट देंगे तो वो कहेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी पे था, 9 महीने थेरेपी ले ली, अब प्रेजेंट किया आपके पास, किसके साथ प्रेजेंट किया अभी आगे बताती हूँ। बच्चा होगा तो कहेंगे कि बार बार नमूनिया का इन्फेक्शन हो रहा है बच्चे को, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, अब प्रेजेंट किया है आपके पास, अभी कंडीशन बताती हूँ। या फिर होगा कि बच्चा था जिसको नमूनिया का इन्फेक्शन भी होता है बार बार, और बच्चे के साथ माँ कहती है कि इसको बचपन से ना मोशन रहते हैं, लूज स्टूल रहते हैं। अब ये चीज आपको किस तरफ इशारा करती है, बचपन से लूज स्टूल रहना इज इम्पोर्टेंट इन दिस केस। अच्छा, अब जो भी कंडीशन होगी ना इस किस्म की सिनेरियो में कि पहले बच्चा नमूनिया था या टीबी था, प्रेजेंटेशन हमेशा ये होती है कि कॉपियस अमाउंट ऑफ स्प्यूटम है बंदे को, बहुत ज्यादा स्प्यूटम प्रोडक्शन है, और वो स्प्यूटम प्रोडक्शन इस तरह से कि वो निकलता भी बहुत ज्यादा है और किसी खास पोस्चर में जब बंदा होता है ना तो और ज्यादा निकलता है। मतलब सपोज मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में हूं तो मेरा स्प्यूटम प्रोडक्शन और स्प्यूटम की एक्सपेक्टोरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सिनेरियो में ये पॉइंट्स आपने याद रखने, कॉपियस अमाउंट ऑफ स्प्यूटम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ स्प्यूटम एक्सपेक्टोरेशन विद चेंज इन पोस्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। पोस्चर का लफ्ज आगा कहीं भी और नहीं आएगा सिवाय ब्रोंकाइटिस के। और उसके साथ पेशेंट हमेशा फेब्राइल, 90% केसेस में पेशेंट को फीवर होता है हल्का, 101 डिग्री फीवर होता है, और उसके साथ उसकी क्रैकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब क्रैकल्स क्यों होते हैं, मैंने आपसे क्या कहा, ये कंडीशन आपकी डेवलप हो रही है सेकेंडरी टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन रहती है ना एयरवेज में तो वहां पर फ्लूइड या पस या म्यूकस कलेक्टेड रहता है। मैंने आपको क्या कहा था कि क्रैकल्स कब सुनाई देती है, जब मेरे पास ये एक रास्ता है, सपोज करते हैं कि ये ब्रोंकाई और ये एल्विओलाई है, ब्रोंकियोल और एल्विओलाई सपोज कर लेते हैं, ये सारा अगर म्यूकस और पस से भरा हुआ है, जब बंदा सांस लेता है तो ये म्यूकस और पस हवा के जोर से सारा साइड पे चला जाता है, और उसके बाद जब ये सांस लेने की वजह से म्यूकस और पस सारा साइड पे जाता है और एयर वे खुलता है ना, इस वक्त जो आवाज आती है उसको क्रैकल कहते हैं। उसमें हमारे पास फिर थी वो सॉफ्ट क्रैकल्स थी और हार्ड क्रैकल्स शायद थी, बहरहाल तो ये जो आपकी क्रैकल्स होती है ना ये इस वजह से आती है। अब यहां पर हमारे पास ये प्रॉब्लम तो है कि यहां पर हमारा सारा एयर वे भरा हुआ है म्यूकस पस या किसी चीज से सेकेंडरी टू एनी इन्फेक्शन और एनी अदर थिंग, जब वो सांस लेगा हवा खुलेगी तो जाहिर क्रैकल्स आएंगी, तो क्रैकल होगी। और ऐसे पेशेंट्स की जब आप ब्रेथ साउंड सुनते हैं ना, क्योंकि उनकी जो लंग टिश्यू है वो काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय हुआ होता है या फाइब्रोज हुआ होता है, ठीक है। जिन लोगों में मुसलसल इन्फेक्शन रहते हैं, जिन लोगों को कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है जो लंग को इफेक्ट करता है, उनमें ऐसा डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स तो हो रही है ब्रोंकाई की, वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई डिस्ट्रॉय हो रही है, और उसके साथ साथ ऐसे लोगों में ऐसा वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई में फाइब्रोसिस होता जाता है। मतलब हमने कहा ना इरिवर्सिबल या परमानेंट डायलेशन हो जाती है, तो इरिवर्सिबल परमानेंट डायलेशन या फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है कि पेशेंट की जो ब्रेथ साउंड आप सुनते हैं ना
चेस्ट पे ऑस्कल्टेशन करते हुए वो बहुत डिक्रीज होती है। तो ये हर चीज आपको इशारा दे रही होती है कि ये आपकी जा रही है ब्रोंकाइटिस की तरफ। लेकिन जो आपका की वर्ड होता है ना इसमें, वो है कि किसी इन्फेक्शन या किसी कंजेनिटल कंडीशन के बाद होना, और कूपियस स्पूटम एंड मोर स्पूटम विद पोस्टरल चेंज, ये दो चीजें आपकी की वर्ड है ब्रोंकाइटिस की। बाकी तो चलो और चीजों में भी आ जाते हैं। अब आ जाते हैं कि इसकी बाकायदा लाइन वाइज देखा जाए तो कॉजेज क्या क्या है। तो आपके कंजेनिटल और एक्वायर्ड दो में डिवाइड कर लेते हैं। कंजेनिटल कॉजेज में आपके मैंने कहा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको पता है कि ऐसा एक डिफेक्ट है जिसमें आपका एक चैनल जो ट्रांसपोर्ट चैनल है वो खराब होता है। अब बहरहाल जो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज है ना, उसके रिजल्ट में इतनी ही प्रॉब्लम आ रही होती है कि जो जितनी भी आपकी बॉडी की सिक्रीशन है वो बहुत थिक और विस्कस होती है। मतलब अगर मेरा नॉर्मल म्यूकस की कंसिस्टेंसी होनी थी, सपोज कर लेते पानी की तरह जैसा नॉर्मल पानी होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लोगों में उस म्यूकस की कंसिस्टेंसी होगी बहुत ही थिक और जली की तरह की। अब जली और पानी में कितना फर्क है, पानी तो आराम से बह जाता है लेकिन जली तो उसी जगह रुक जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों में फिर म्यूकस स्टेसिस होने की वजह से इन्फेक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं और रिपीटेड इन्फेक्शन उनमें ब्रोंकाइटिस कर देते हैं, ठीक है, यानी परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई कर देते हैं। तो कंजेनिटल में सबसे पहला जो होता है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस है, और दूसरा कोई भी ऐसी डिजीज जो सिलरी डिसफंक्शन करे। हमें पता है कि हमारी सारी की सारी ब्रोंकाई ब्रोंकियोज में सिलिया लाइन किया हुआ है जो कि म्यूकस को वहां से निकाल देता है, क्लियर करता है। अगर सिलरी डिसफंक्शन होगा, सिलिया काम नहीं करेगा, तो सारे म्यूकस तो रुका रहेगा, और म्यूकस रुका रहेगा तो ऑफकोर्स ये बात है कि फिर वही बात हो जाएगी हमारी। कार्टेजेनस सिंड्रोम इसमें एक एग्जाम्पल है, जो कि सिंड्रोम है जिसमें आपका सिलरी डिसफंक्शन होता है, और सिलरी डिसफंक्शन ही है जो आपका सिर्फ आपके एयरवे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट नहीं करता होता, आपका नोज वाली एरिया भी इफेक्ट होता है क्योंकि सिलिया वहां भी लाइन है। उसके अलावा आपकी बॉडी में इंटरनल जो एरियाज है ना, जैसे आपका यूरोजेनिटल ट्रैक है, जैसे आपका जीआईटी है, वहां पर भी सिलिया का बड़ा रोल है। तो यूरोजेनिटल ट्रैक और जो जीआईटी है वो भी बड़े सिवियरली इफेक्टेड होते हैं ऐसे लोगों में जिनमें कंजेनिटल सिस्टिक फाइब्रोसिस या कंजेनिटल सिलरी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उन्होंने जिस तरह का लूज स्टूल, तो लूज स्टूल का भी ताल्लुक इसी बात से है। आई एम अगेन सॉरी फॉर दिस पीकॉक एट द बैक ऑफ माई वीडियो। अच्छा जी, देन हमारे पास जो तीसरी चीज हो सकती है कंजेनिटल में, हाइपोगेमोग्लोबुलिनीमिया है, मतलब ये कि आपके पास एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन नॉर्मल से कम होती है, इन्फेक्शन जैसे बंदों को बहुत ज्यादा होते हैं, रिपीटेड इन्फेक्शन जो है वो आपको प्रीडिस्पोज करता है ब्रोंकाइटिस की तरफ। एक्वायर्ड कॉजेज में अगर चिल्ड्रन का सिनेरियो आएगा ना, तो वो बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन का आएगा, रिपीटेड इन्फेक्शन ही हमेशा चिल्ड्रन में होगा, चाहे वो नमूनिया है चाहे वो फॉरन बॉडी। और दूसरी चीज बच्चों में होती है फॉरन बॉडी, ठीक है, ये लिख लेना आपने अपने पास इसी ऑर्डर में, ये डेविडसन का ऑर्डर है, नमूनिया या रिपीटेड इन्फेक्शन एंड फॉरन बॉडी, ठीक है। उसकी वजह ये है, फॉरन बॉडी की वजह ये कि अगर आपकी एक जगह फॉरन बॉडी आके फंस जाती है, वो बहुत अरसे तक फंसी रहती है, तो उसके नीचे सिक्रीशंस का स्पेसिस होता जाएगा। तो बस बात तो सारों में एक ही हिसाब आ रहा है। एडल्ट्स में क्या है, एडल्ट्स में भी आपके पास नमूनिया है कि अगर बार बार नमूनिया का इन्फेक्शन हो रहा है। एडल्ट्स में टीबी सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, या फिर आपका ट्यूमर है, कोई ऐसा ट्यूमर है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे रास्ते को। तो जिस तरह फॉरन बॉडी ऑब्स्ट्रक्ट करी थी, ट्यूमर ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, स्टेसिस ऑफ सिक्रीशंस हो गया, कहानी पूरी होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बातें आगे। अब क्लिनिकल फीचर्स में आपको बता चुके, दोबारा कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो पेशेंट कंप्लेन करेगा वो यही कि मुझे बहुत ज्यादा पिछले वो कहेगा कि पहले मुझे मतलब टीबी था, पहले मुझे नमूनिया हुआ था और मैं बार बार उसके लिए अस्पताल में एडमिट रहा, लेकिन अभी मुझे मसला है कि मुझे बहुत ज्यादा पिछले कुछ अरसे से कई हफ्तों से खांसी है और साथ बलगम आता है, और बलगम जब मैं इस तरह लेटा हुआ होता हूँ या मैं इस तरह बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा आता है। तो पोस्टरल चेंज उसने बताया, और वो इन्फेक्शन की हिस्ट्री, किसी और प्रॉब्लम की हिस्ट्री लाजमी आपको देगा। अगर वो कहते हैं कि साथ उसे खून भी आते, तो इसका मतलब यह है कि उसको बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है कि साथ ब्लड भी आ रहा है, क्योंकि उसकी मतलब ये होता है कि वैस्कुलर सप्लाई भी रोड हो रही है। तो मतलब ये आपके सिवेरिटी को इंडिकेट करता है, पेशेंट की जनरल हेल्थ काफी खराब हो चुकी होती है। अच्छा, उसके साथ साथ पेशेंट को इन्फेक्शन का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। और ये बहुत सिवियर प्लूराइटिक पेन की कंप्लेन भी कभी कभार पेशेंट्स करते हैं, जब उसका इन्फेक्शन जो भी अगर था, वो कहता है कि उसको इन्फेक्शन था और उसका इन्फेक्शन पूरा भी स्प्रेड कर जाएगा। तो कभी कभार इस तरह भी आता है कि पेशेंट कहते हैं बहुत शदीद किस्म का मुझे अचानक से दर्द शुरू हुआ है, वो प्लूराइटिक पेन होती है, लेकिन आपको वो चीज नहीं देते क्योंकि वो आपका फिर प्लूराइसिस की तरफ जाने का वाला सिनेरियो भी बन जाता है। हम लोग इस सिनेरियो में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते होते। साइन जब हम पेशेंट को देखेंगे, मतलब हमें जो नजर आएगा, मैंने आपको बताया ब्रेथ साउंड बहुत डिक्रीज होंगी, आपको कोर्स और फाइन क्रैकल्स में, जिसको सॉफ्ट और हार्ड कही थी, सॉरी कोर्स और फाइन क्रैकल्स होते हैं, तो आपको कोर्स और फाइन दोनों तरह के क्रैकल्स सुनाई देंगे। उसके साथ आपको जाहिर सी बात है कि एयरवेज जब आप देखेंगे तो आपको कोलैप्स्ड एयरवेज नजर आएंगे, सिक्रीशन से भरे हुए, म्यूकस से भरे हुए एयरवेज नजर आएंगे, ठीक है। एंड पॉसिबली आपको स्कारिंग भी नजर आ सकती है, और ये सब कुछ आपको स्कारिंग या म्यूकस जो भरा हुआ नजर आएगा, ये आप एक्सरे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया।
अच्छा, आप मेरे इन्वेस्टिगेशन क्या कराने? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन आपने लाजमी करानी होती है स्प्यूटम कल्चर, जिसमें आपको पता चलता है कौन सा इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पर बार बार कॉज बन रहा है, जिसमें एस्परजिलस भी हो सकता है, सूडोमोनास अक्सर होता है, सूडोमोनास होता है सबसे ज्यादा, या फिर आपका स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी होता है, स्टेफ ऑरियस होता है, और फंगस में एस्परजिलस हो सकता है। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने स्प्यूटम कल्चर करा लेना है। उसके बाद आपने अगला काम ये करना होता है कि आपने एक्सरे कराने होते हैं। रेडियोलॉजी में आप पहला जो चीज करेंगे दैट इज योर एक्सरे, ठीक है। एक्सरे से आपको पता चलेगा कि अंदर की स्टेटस क्या है, कितना म्यूकस भरा हुआ है, लंग कितना वाइबल रह गया वगैरह वगैरह, ठीक है। एक्सरे के बाद आपका सीटी स्कैन आपको किसी हद तक ये बता देता है कि किसी हद तक या उससे काफी अच्छा बता देता है कि आपका जो अंदर लंग का स्टेटस है वो किस तरह से है, और लंग टिश्यू कितना वाइबल है, कितना ज्यादा वो फैल चुका है जो आपका मसला है, ठीक है। फिर आपने तीसरी चीज करनी होती है, आपने सिलरी डिसफंक्शन को लाजमी चेक करना होता है ऐसे लोगों में, क्योंकि इनको कंजेनिटल सिलरी डिसऑर्डर्स तो नहीं है। उसके लिए आप एक टेस्ट करते हैं सैकरीन टेस्ट, बहुत सिंपल टेस्ट है। एक सैकरीन की टैबलेट लेते हैं, छोटी सी टैबलेट तो नहीं थी, पैलेट सी होती है बनी हुई, नाक में रख देते हैं पेशेंट की, और इसका मीठा टेस्ट होता है। उससे कहते हैं कि जब उसको गले में जायका फील हो तो वो बताए। नॉर्मल लोगों में कभी भी 20 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता नाक से गले तक जायका जाते हुए, लेकिन जिनका सिलरी डिसफंक्शन होता है उनमें 20 मिनट के घंटे लग जाते हैं, जायका नहीं जाता, क्योंकि सिलिया ही नहीं है जो लेके जाए। तो ये आपका एक बड़ा अच्छा टेस्ट है जो बता देता है कि क्या मसला है क्या नहीं है। उसके अलावा आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज क्या है, और ये ऑफकोर्स ये बात है कि आप बायोप्सी लेके सिलरिया की बीट होने की फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो आपने करानी होती है। उसके बाद आप ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, जब आप मतलब एंडोस्कोप डाल के बाकायदा ब्रोंकोस्कोप को देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि यस ये तो नैरोइंग हुई है, म्यूकस से भरा हुआ है, सब कुछ है। लेकिन जो पहले तीन स्टेप्स है ना, रेडियोलॉजी स्प्यूटम कल्चर है, फिर एक्सरे सीटी स्कैन और सिलरी फंक्शन टेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकोस्कोपी हम हमेशा नहीं करते होते, कभी कभार करते हैं। अब इसमें मैनेजमेंट होते पेशेंट में ना, आपने तीन चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहली चीज होती है फिजियोथेरेपी, बहुत जरूरी इस वजह से कि पेशेंट को हम ये सिखाते हैं कि उसने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने एयरवेज को क्लियर रखने की कोशिश करनी है जब तक कि उसकी कॉज ट्रीट नहीं हो जाती, क्योंकि कॉज को ट्रीट होते हुए टाइम लगता है, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी इस तरह से होती है कि पेशेंट्स को हम बता दें कि आपने इस पोजिशन में लेटना है, और इस पोजिशन में लेटने के बाद आपने पहले अपने अंदर एक पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर को जनरेट करना है, वो एक्सरसाइजेस होती है, और फिर आपने बहुत ज्यादा कफ करना है, बहुत ज्यादा खांसी करके, ताकि मैक्सिमम स्प्यूटम को आप बाहर निकाल सके। एक होता है कि आप मैनुअली सिर्फ ये सब कुछ करें, मतलब पेशेंट को बता रहे हैं कि आप इस तरह लेट जाएं, लेटने का तरीका यह होता है, बैठने का तरीका यह होता है कि जिस लोब को आप ड्रेन करना चाह रहे हैं वो सबसे ऊपर होना चाहिए। मतलब अगर मेरा ये लंग है और ये लोब मैं ड्रेन करवाना चाह रही हूँ, ये अपर लोब, तो इसको सबसे ऊपर रखना है मैंने, यानी स्टैंडिंग पोजिशन होगी, ठीक है। तो बहरहाल उस तरह पेशेंट करेगा। दूसरी चीज होती है हमारे पास कुछ डिवाइसेज होती हैं जो हेल्प आउट करती हैं एंड वाला पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करने में। अब पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर क्या है और हम क्यों जनरेट कराना चाहते हैं, आप देखें, मैंने कहा कि सारा का सारा म्यूकस और पस से फिल्ड अप है। एंड में जब पेशेंट एक्सपायर करता है नॉर्मल हालात में, तो ये सारा म्यूकस और पस इस जगह फिल हो जाता है, और ना ये बाहर आ रहा है और ना ये एयरवेज को ओपन होने दे रहा है। हम क्या करते हैं कि हम एक्सपिरेशन में, यानी एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल में, पॉजिटिव प्रेशर अंदर जनरेट कर देते हैं, यानी अंदर प्रेशर रहता है। जैसे इंस्पिरेशन में प्रेशर रहता है, वैसे ही एक्सपिरेशन में भी रहता है। उस एंड में प्रेशर रहने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट के लंग्स इन्फ्लेट रहते हैं, और इन्फ्लेटेड लंग के बाद वो एक्सपेक्टोरेट सही से कर सकते हैं, वो रेशा बाहर अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इस तरह पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर जो है ना, यानी कि बाहर का यानी आपकी रेस्पिरेटरी साइकिल के आखिरी हिस्से का प्रेशर बढ़ाकर हम पेशेंट को फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपनी सिक्रीशंस को बेहतरीन तरीके से मुंह से बाहर निकाल सके, ठीक है। और उसका मैकेनिज्म यही है कि आपका जब यहाँ प्रेशर होगा तो जाहिर है यहाँ पर जो सिक्रीशंस है वो आराम से बाहर चली जाएंगी। तो उसके लिए हमारे पास डिवाइसेज होती हैं, पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर मास्क होते हैं और फ्लटर वाल्व्स होते हैं। इनमें मतलब इनका बहुत ज्यादा डिटेल आपको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम जरूर आने चाहिए कि ये वो डिवाइसेज हैं जो पेशेंट की सिक्रीशंस को ड्रेन करने में हेल्प करती है। थोड़ी देर पेशेंट इनको यूज करते हैं एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर बन जाता है, फिर वो एक्सपेक्टोरेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये फिजियोथेरेपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और पहला रोल होता है ब्रोंकिकटेसिस में। अगर बहुत सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना पेशेंट को, तो फिजियोथेरेपी से पहले हम उसको ब्रोंकोडायलेटर दे देते हैं कोई ना कोई, जिस तरह हमने पहले दिए थे सीओपीडी वगैरह में, और साथ कोई हम उसको ये ब्रोंकोडायलेटर ही बेसिकली हम तब देते हैं जब बहुत सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो कि उससे सांस ही ना लिया जा रहा हो, वो डिस्निया में जा रहा हो। वैसे ऐसा होता नहीं है कि ब्रोंकिकटेसिस के पेशेंट्स को सिवियर डिस्निया हो, लेकिन अगर हो तो हम तब देते हैं, वरना हम स्टार्ट करते हैं फिजियोथेरेपी से। फिर हमारे पास अगली मेन स्टे होती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इस वजह से जरूरी है कि जाहिर कोई ना कोई इन्फेक्शन लाजमी चल रहा होता है जो हमने चेक करना है। कल्चर सेंसिटिविटी के हिसाब से हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर सिप्रोफ्लॉक्सिसिन या सेफ्टिजिडीम, यानी आपकी सेफलोस्पोरिन जो है थर्ड जनरेशन, उनसे आप स्टार्ट करते हैं। और हैवी डोजेस चाहिए होती हैं और लंबे अरसे के लिए चाहिए होती हैं, मतलब कम से कम 8 से 10 हफ्ते तो लाजमी होते हैं। और सर्जरी हमने तब सिर्फ और सिर्फ करनी होती है कि जब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट पे पेशेंट जरा भी ठीक नहीं हो रहा,
और ब्रोंकाइटिस किसी खास लोब में है, तो हम क्या करते हैं कि हम लोबेक्टमी करके उस लोब को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ही चंद केसेस में होता है, बाकी को हम इसी तरह ठीक करने की कोशिश भी करते हैं हो भी जाता है। हेमोप्टिसिस वगैरह अगर पेशेंट को है तो जाहिर है हमने फिर उसको जरा सा ज्यादा सवेरिटी के हिसाब से देखना है कि हम उसके हेमोप्टिसिस के लिए क्या कर सकते हैं। अगर नहीं ठीक होता तो फिर हमने उसकी ब्रोंकियल सर्कुलेशन को ना कुछ अरसे के लिए जरा रिड्यूस करना है, और उसका भी तरीका होता है कि हम एम्बोलाइज कर लेते हैं ब्रोंकियल सर्कुलेशन को। एम्बोलाइजेशन का मतलब होता है, एम्बोलाई नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज जो किसी वेसल में आ जाए एक्स्ट्रा उसे एम्बुलस कहते हैं। हम जान के एम्बुलस डाल देते हैं ब्रोंकियल सर्कुलेशन में ताकि ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो, ताकि हेमोप्टिसिस ठीक हो पेशेंट का। ठीक हो क्या? तो ये बातें याद रखनी है आपने। और इसका प्रोग्नोसिस ठीक है, अच्छा प्रोग्नोसिस हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करना चाहिए पेशेंट को जो है कि आप जो है अपनी हाइजीन अच्छी रखें और आपको इन्फेक्शंस ना हो, मीजल्स ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, ताकि ये चीज ना बने। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला हो क्या ना आसमिन। थैंक यू।